हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो आई गेस आज की वीडियो वेरी वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो आज की वीडियो में हम रिसेंटली क्रिप्टो रेगुलेशंस का एक न्यूज़ आ रहा है बाहर। सो एनडीटीवी का जर्नलिस्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है बिल्स के बारे में। सो उसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया। उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको एवरी इंडिविजुअल, सो अगर आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व है तो किस चीज़ में भी इन्वॉल्व हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आपके लिए ये क्या गुड या नेगेटिव हो सकता है, सारे डिटेल्स विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो एट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट है क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 500 लाइक्स, अभी का अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट थिंग, ये न्यूज़ जो अभी एनडीटीवी के थ्रू बाहर आया, ये अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सो इट इज़ ओनली थ्रू द सोर्सेज एंड एनडीटीवी जर्नलिस्ट को कुछ बिल के बारे में मिला है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सो फर्स्ट थिंग ये है कि रिसेंटली कपल ऑफ वीक्स बैक इसमें क्रिप्टो में एक अभी विंटर सेशन में पार्लियामेंट में एक बिल आ रहा है क्रिप्टो के बारे में करके न्यूज़ आया था। उसका बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आया था एंड INR का USD INR पेयर का प्राइस भी बहुत गिर गया। उसके बाद अभी रिसेंटली फ्यू आवर्स बैक एंड यस्टरडे से कुछ डिफरेंट न्यूज़ेस आ रहा है जिसमें क्रिप्टो विल बी रेगुलेटेड करके एक कैबिनेट बिल एक फॉर्म हो, उस बिल के हिसाब से क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए देख रहा करके न्यूज आ रहा है। उसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स क्या आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग जो है, इसमें क्रिप्टो जो है अभी हम उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं ना, सो अभी नो लॉन्गर इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल करेंसी इन कंट्री एंड इसको अभी से इसमें रेगुलेट करने के बाद उसको एज ए क्रिप्टो एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी का मतलब करेंसी एंड एसेट का डिफरेंट ये एक ही सिंपल डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी को आप चाहिए तो किसी को भी सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एंड वंस ये एसेट के रूप में कन्वर्ट होने के बाद उसको आप दूसरे यूजर्स को सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते। सो वो हो गया इसका फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कैबिनेट नोट, सो उस नोट के हिसाब से क्रिप्टो एसेट्स विल बी डेल्ट विद द एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ओनली एंड इस पर्टिकुलर जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस अवेलेबल है वो होगा अंडर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो अभी हमको स्टॉक मार्केट को भी सेबी ही रेगुलेट कर रहा है, सो सेम बॉडी जो है अभी क्रिप्टो एसेट्स को भी रेगुलेट करेगा एंड अलॉन्ग विद द क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी रेगुलेट करेगा। सो इसके हिसाब से इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग भी मेंशन किया है, सो जो भी आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अलावा कहीं पे भी बाहर आपका पर्सनल वैलेट और मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट किसी भी प्राइवेट वैलेट्स में आपका पर्सनल वैलेट्स में क्रिप्टो एसेट्स है तो उसको आपको एक्सचेंजेस में लाना होगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ला के दिखाना होगा एंड इसके लिए कुछ कट ऑफ टाइम मिलेगा, मे बी 3 मंथ्स या 4-6 मंथ्स टाइम मिलेगा। उसके टाइम के अंदर आपका क्रिप्टो एसेट जो है आउटसाइड क्रिप्टो एक्सचेंजेस उसको ला के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। सो इसमें इसका मतलब हो गया आपका मेटामास्क को सब यूज नहीं कर सकते। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसको वंस ये क्रिप्टो एज ए एसेट कैटेगरीज होने के बाद इस क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आपको मोस्ट प्रॉब्ली विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज डिजेबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप वजीरेक्स में आपके पास 1 BNB कुछ टोकन अवेलेबल है तो उसको आप किसी को भी सेंड नहीं कर सकते, इवन आपका मेटामास्क में भी विड्रॉ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट थिंग इसमें क्या कर सकते हैं, आप ओनली BNB को बाई एंड सेल कर सकते हैं फॉर INR। वंस INR आने के बाद आपके वैलेट में INR को आपको बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। सो ओनली वन थिंग रहेगा इसमें, विद इन एक्सचेंज आपको ट्रेड कर सकते हैं, बिटवीन एक्सचेंजेस में भी ट्रांसफर होगा या नहीं अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। सो बट देर इज नो पॉइंट एक्सचेंजेस के बेस में ट्रांसफर करके आपको कुछ भी नहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा, सारा सेम ही रहेगा। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दूसरा वैलेट्स को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट आप सोच सकते हैं बाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली बाइनेंस इंडिया करके एक एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं, उसमें भी आप विद इन एक्सचेंज ही ट्रेड कर सकते हैं, उसका कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। देन थर्ड पॉइंट जो है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो इसमें अगर रिगार्डिंग RBI का वर्चुअल करेंसी का जो न्यूज आ रहा था उसमें बिल में, उसके बारे में इस कैबिनेट नोट में नहीं है करके मेंशन किया, दैट इज फाइन। एंड फोर्थ पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया कि जो भी इस पर्टिकुलर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है उस यूजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पेनाल्टी भी पनिशमेंट भी लग सकता है। सो वो इसका मेन ओवरव्यू है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इट मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अस, सो मनी लॉन्ड्रिंग उसके बारे में हमको कोई ऐसा चीज़ें कोई नहीं कर रहा है।
देन सो अभी इसका आउटकम क्या हो सकता है. सो अगर आप क्रिप्टो यूजर है तो आपको इंडिया में इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद आपको क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉर योर डे टू डे क्रिप्टो एक्टिविटीज. सो उसके लिए आपको मैं एक चेकलिस्ट बनाया. सो आपको एक वन आफ्टर द अदर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, जो भी आपका डाउट्स है क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग जो है ट्रांसफर्स. सो क्रिप्टो ट्रांसफर्स सेंड एंड रिसीव आप नहीं कर सकते. नो इसका मतलब आप मेटामास्क में विड्रॉ नहीं कर सकते, दूसरा एक्सचेंज दूसरा वैलेट्स फ्रेंड्स को नहीं सेंड कर सकते. ओनली आपका अकाउंट में आप ही ट्रेड कर सकते हैं, आप ही सेल कर सकते हैं एंड आप उसको बैंक में विड्रॉ कर सकते. सो इसलिए रेगुलेट होने के बाद आपको टैक्सेस के लिए भी ईजी रहेगा, बट इसमें यूजर्स को ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. देन नेक्स्ट थिंग माइनिंग. सो अगर आप क्रिप्टो माइनर है तो सो मे बी 2017 में क्रिप्टो का माइनिंग किया था, माइनिंग रिग था मेरे पास, उसका भी वीडियोस डाला मैंने तेलुगु चैनल में. सो अगर आप भी एक क्रिप्टो माइनर है तो सो आप अभी फ्यूचर में माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में माइनिंग कर रहा है तो आपको टोकन जो मिलेगा वो आपका पर्सनल वैलेट में डिपॉजिट होगा एंड उधर से आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि वंस ये क्रिप्टो एसेट के कैटेगरी में आने के बाद इंडियन एक्सचेंजेस में डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल क्लोज हो जाएगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ कट ऑफ टाइम. सो उसके बाद आप माइनिंग भी नहीं कर सकते. सो अगर आप माइनिंग में है तो इट विल बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. देन DeFi. सो आगे हमारे चैनल का जो भी यूजर्स है, हम बहुत सारा यूजर्स जो है DeFi में बहुत सारा इंटरेक्ट करते हैं, मेरे चैनल में बहुत सारा DeFi का वीडियोज बनाए. सो DeFi में मतलब आप फर्स्ट थिंग DeFi वैलेट्स यूज नहीं कर सकते, लाइक मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट सेफॉल वैलेट. सो ये सारा वैलेट्स यूज नहीं कर सकते, यूज किया तो भी फंड्स उसी में रहेगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते टू INR. एंड सेकेंड थिंग DeFi एप्लीकेशंस लाइक आपको जो भी कॉम्पाउंड फाइनेंस आवे, अभी रिसेंटली मैंने Elrond का यील्ड फॉर्मिंग का वीडियो बनाया था, उसमें 30 डेज में हमको अराउंड 30 नॉट इवन 30 डेज वन वीक टाइम में हम 30% का प्रॉफिट बुक किया. उस टाइप का यील्ड फॉर्मिंग्स में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते आप. सो उसके बाद आप लोन क्रिप्टो लोन्स भी नहीं ले सकते, लाइक फ्रॉम कॉम्पाउंड फाइनेंस आवे बोरो लोन स्टेकिंग वो सारा चले जाएगा. सो स्टेकिंग वीकिंग यील्ड फॉर्मिंग सो कुछ भी नहीं कर सकते. सो मेजर पोर्शन इसमें हमको प्रॉफिट्स नहीं बुक कर सकते. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अवर चैनल कम्युनिटीज, सो इसमें IDOs IEOs टोकन सेल्स में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि IDOs IEOs जो है DeFi में चलता है. सो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होता है, लाइक पोलका चार्टर रेड काइट गेम फाइव सब मल्टीपल प्लेटफॉर्म में होगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सो जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. देन प्राइवेट एलोकेशन. सो मेरे चैनल में अर्ली स्टेज में बहुत सारा वीडियोस बनाया था प्राइवेट एलोकेशंस में कैसे पार्टिसिपेट करना, लाइक डक डॉग के थ्रू डिफरेंट फेरम नेटवर्क के थ्रू. उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करके अभी कुछ प्राइवेट एलोकेशंस आपको मिल रहा है तो प्राइवेट एलोकेशंस में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस एलोकेशन आपको मेटामास्क में आ गया एंड वो टोकन मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन एक्सचेंज में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा. सो अभी प्राइवेट राउंड्स IDOs IEOs मोस्ट प्रोबेबली वंस ये रेगुलेशन सर्कुलर और अनाउंसमेंट ऑफिशियली लॉन्च रिलीज होने के बाद हमारे इंडियन यूजर्स को कम्प्लीटली IDOs IEOs प्राइवेट एलोकेशंस में रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में ऐड हो जाएगा एंड अपने आप आपको फ्यूचर में भी कुछ एलोकेशंस नहीं मिलेगा. सो ये हो गया इसका मेन थिंग. देन फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर एयरड्रॉप हंटर्स इट इज अ बैड न्यूज. सो एयरड्रॉप्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे तो रेगुलरली मेरे चैनल में एयरड्रॉप्स का वीडियोस बनाते रहते हो. सो अगर आप एयरड्रॉप्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे तो फ्यूचर में वंस ये रेगुलेशंस आने के बाद आप एयरड्रॉप्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फ्री टोकन्स अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा भी आपको मेटामास्क एंड अदर वैलेट्स में भी आएगा. सो ये है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ करेंट जो कैबिनेट बिल जो है लीक हुआ उसका इन्फॉर्मेशन. अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ, ये अभी भी कैबिनेट में प्रेजेंट होगा एंड सोर्सेस के हिसाब से NDTV जर्नलिस्ट ने कुछ पोस्ट किया. सो सोर्सेस के हिसाब से इस पर्टिकुलर कैबिनेट बिल जो है क्लियरेंस मिल जाएगा एंड ऑफ दिस वीक एंड मोस्ट लाइकली इस पर्टिकुलर विंटर सेशंस में ही इस पर्टिकुलर बिल का प्रेजेंट होने का चांसेस भी है. सो दैट इज विद इन लेस देन अ वीक टाइम. सो बट हमको नहीं पता पार्लियामेंट में ये बिल प्रेजेंट होने के बाद डिस्कशन होगी क्या ये पास होगा या नहीं, हमको नहीं पता, बट देखना पड़ेगा अब क्या होगा इसका. अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया उसका, ऑफिशियल बिल का डिटेल स्क्रीनशॉट्स और आर्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं हुआ. सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें किसको एडवांटेज हो सकता है वो आपको बता दूंगा. सो इंडियन एक्सचेंजेस को क्रिप्टो एक्सचेंजेस को डेफिनेटली इसमें बहुत सारा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि सारा यूजर जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करेगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस रेगुलेट होने के बाद सारा बैंक जो है उसका सर्विसेज
विथ फुल फ्लेज सर्विस दे सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस. सो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है क्योंकि डीफाई बंद हो जाएगा. एंड वंस ये रेगुलेट होने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स जो है वो भी क्रिप्टो में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आके ट्रेड कर सकते हैं. सो इसमें किसको नुकसान है? हमारे जैसा डे टू डे क्रिप्टो यूजर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि रिसेंटली 15th ऑफ नवंबर को एक पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुआ था जिसमें सारा इसमें आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक वजीरेक्स, कॉइनडेस्क, कॉइनस्विच, कुबेर, मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस का रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाके उसमें कुछ क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन किया. बट डेफिनेटली उस मीटिंग के आई थिंक अब मोस्टली 15-20 डेज हो गया उसके बाद इतना पॉजिटिव न्यूज आ रहा है फॉर क्रिप्टो एक्सचेंजेस. सो ये है गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट क्रिप्टो रेगुलेशंस इन इंडिया. सो वंस ये क्रिप्टो रेगुलेशंस आने के बाद मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स, अभी जो आप 20x, 30x, 100x जो कमा रहा है उतना नहीं कमा सकते विद इन द एक्सचेंज ट्रेड करके. थोड़ा 5% 10% जैसे लाइक स्टॉक मार्केट आपको जितना अर्निंग्स मिल रहा है उतना ही कर सकते हैं. सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट क्रिप्टो रेगुलेशंस बिल. अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया. सो अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करूंगा. सो आपका ओपिनियन क्या है वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एंड अगर मैंने किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा नो लिस्ट में मेंशन करना मिस किया तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस हॉट टॉपिक. सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, समथिंग न्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको आइडिया मिला तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना. एंड जो भी डाउट्स का क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.